आज लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए आपका अपने अपने घर से निकलकर आना इस बात का संकेत है कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आज वाला जो फंक्शन है समागम में होना नहीं चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी अगर भाजपा की नीयत साफ होती। आपने देखा 30 जनवरी को, दो दिन पहले, कैसे चंडीगढ़ में वीडियो के सामने एक आदमी आम आदमी की वोटों को काट रहा है और पता नहीं कौन सी वोटों को बीजेपी के बक्से में रख रहा है। पता नहीं क्या गलती होगी बीजेपी से, इनकी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं हुआ वरना वीडियो बंद करवा देते ये, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। करते तो पहले से ही रहे हैं, एमसीडी में भी किया है साथ दिल्ली में। तो आज आपका इस भारी संख्या में यहां पहुंचना इस बात का संकेत है कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि जब देश में, भारत में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था, लोकतंत्र आखिरी सांस पर था, तब उसको ऑक्सीजन देने के लिए कहां कट हुआ था। तो सही आंसर होगा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने जो लोग आए थे वो लोकतंत्र को बचाने आए। हमारे एमएलए साहबान बैठे हैं, हमारे मेयर बैठे हैं, हमारे एमपी साहब आए हैं लोकसभा के, पंजाब से मेरे साथी आए हैं। मतलब हद है हैरानी की कि इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक एक धीरे 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 ये चलो 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 चलो। तो ऐसे ही लोकसभा में होता है, ऐसे ही राज्यसभा में बिल पास होते हैं, हां वाले हां कहें, ना वाले ना कहें, हां वालों की जीत हुई जीत हुई जीत हुई, चलो 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 चलो। हद है यार। फिर भाई साहब इतना पैसा क्यों खर्चते हो देश में इलेक्शन करवाने के लिए? सीधा ही तानाशाही डिक्लेयर कर दो।